नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। ज्ञानवापी मामले में एएसआई वाराणसी कोर्ट में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करेगा। 24 जुलाई से सर्वे का काम शुरू किया गया था, जिसका मकसद ये पता लगाना है कि क्या 17वीं शताब्दी में इस मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के ऊपर किया गया है। वाराणसी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे में खंडित मूर्तियां और हिंदू धर्म के कई प्रतीक चिन्ह मिले हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आज ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करेगा। इससे पहले 30 नवंबर एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। एएसआई ने कोर्ट से ये समय तीसरी बार मांगा था, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने 11 दिसंबर की तारीख तय की थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश द्वारा ये रिपोर्ट पेश की जानी है। इससे पहले एएसआई ने कोर्ट से कहा था कि ज्ञानवापी को लेकर सबूत जुटाए गए हैं और इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 21 जुलाई को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत दी थी। आदेश के बाद एएसआई ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर सर्वे करना शुरू किया था। सर्वे का मकसद ये पता लगाना है कि क्या 17वीं शताब्दी में इस मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के ऊपर किया गया है। 92 दिन तक एएसआई ने ज्ञानवापी का सर्वे किया। हालांकि इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने ऊपरी अदालत में अपील की थी, जिसकी वजह से सर्वे का काम रुक गया था। उसके बाद 4 अगस्त को एक बार फिर से सर्वे शुरू हुआ, जिसके बाद 2 नवंबर को काम पूरा हो गया। एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद के बाजूखाने और व्यास जी के तहखाने का सर्वे नहीं किया है। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने बाजूखाने वाली जगह पर शिवलिंग मिलने की बात कही थी। वहीं व्यास जी के तहखाने के पास 3 और तहखाने मिलने का भी दावा किया था। पंचवादी महिलाओं ने श्रृंगार गौरी सहित अन्य जगहों पर पूजा की मांग की थी। महिलाओं की इस अर्जी के बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का कहना है कि प्लॉट नंबर 9130 पर आदि विश्वेश्वर मंदिर है। उनका कहना है कि मंदिर का हिस्सा अब भी वहां मौजूद है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि मई 2022 में हुए अधिवक्ता कमिश्नर के सर्वे में कमल का फूल और त्रिशूल जैसे कई हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। उधर ज्ञानवापी परिसर में खुदाई किए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में आपत्ति जताई थी, जिसके बाद एएसआई ने कोर्ट को जेपीआर तकनीक के इस्तेमाल की बात कही थी। दरअसल जेपीआर के जरिए बिना खुदाई या बिना कांटे वैज्ञानिक सर्वे का काम किया जा सकता है। एक तरफ जहां एएसआई सर्वे के दौरान दावा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में खंडित मूर्तियां, हिंदू चिन्ह और आकृतियां आदि मिले हैं, हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही कोर्ट से ये भी कहा कि सर्वे के दौरान जो भी चीजें मिली हैं उन्हें बाहर ना बताया जाए, जिसके बाद वाराणसी की कोर्ट ने फैसले के पहले गोपनीयता बनाए रखने की बात कही। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।